तो नमस्कार प्रणाम, फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जी हां गाइस, बहुत बड़ी जो लोगों के मन में चल रहा था वो अब क्लियर हो चुका है। जी हां, हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लिए चल रहा था कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। जी हां, टिकट तो वाकई में वापस किया है भाई, और इसके लिए वैसा जिगरा होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे ना कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, पवन सिंह डर गए, पवन सिंह ये हैं, पावर घंटा के पर, ये सब चीजें जो कह रहे थे उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पावर पवन सिंह से शुरू होता है और पावर पवन सिंह पर खत्म होगा। दूसरा कोई पावर ला नहीं सकता है। तो वही बात है कि पवन सिंह वही पवन सिंह है जो कहते हैं वो करते हैं, और कहते भी हैं तो डंके के चोट पर कहते हैं। तो आखिर क्यों टिकट रिटर्न किए थे, वो भी इतने बड़े पार्टी बीजेपी का। जी हाँ, बीजेपी से टिकट लेना या किसी भी पार्टी से टिकट लेना लोगों के लिए एक जंग जीतना होता है। सबसे पहली बात तो इलेक्शन तो वो बाद में जीतेंगे, पहले टिकट तो ले लें। और पवन सिंह को जब टिकट मिला, वो भी इतने बड़े पार्टी बीजेपी से, उन्होंने टिकट को ठुकरा दिया। जी हाँ, बीजेपी पार्टी से टिकट ठुकरा दिए पवन सिंह, बोले हम यहाँ से पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पहला टिकट जो पवन सिंह को मिला था वो आसनसोल से मिला था, और वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उनको लड़ना था। लेकिन पवन सिंह का सोच विचार, और बहुत सहनशील व्यक्ति है पवन सिंह। पवन सिंह को भाई हल्के में मत लिया लोग, बुझला कि पवन सिंह कवन चीज है, वना उनका टीम में जवना बड़ा नू वाव कवन चीज है, वन बड़ा तनी ध्यान से रहे आ बोलिया कम आ कमेंट करिए तनी सोच समझ के। तो पवन सिंह के टीम में जवन हवन दीपक सिंह जी, वो अलगे कंप्यूटर के तरह माइंड चलावेलन। तो यही से कहल जाला तनी उतने उछले जितना उछले के चाहिए। तो पवन सिंह क्यों टिकट रिटर्न किए थे, इसकी वजह तो आप लोग बहुत सारे वीडियो में सुन लिए होंगे कि क्या कुछ वजह था। तो पवन सिंह 17 घंटा सोचने के बाद, टिकट मिलने के बाद बहुत धन्यवाद भी दिए बीजेपी टीम को कि आप मुझे उस लायक समझे, लेकिन मैं किसी निजी वजह के वजह से मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो 17 घंटा मंथन करने के बाद ये चीज निकल कर आया था कि पवन सिंह वहां से इनकार किए थे। उसका इनकार करने का कुछ वजह होता है, कुछ बोलने का उनका वजह होता है, तब वो बोलते हैं। अब पवन सिंह कहां से लड़ेंगे चुनाव, वो सब कुछ आज हो गया है क्लियर। जी हां, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह लड़ेंगे आरा, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने घर के बेटा हैं और अपने घर से ही चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह शुरू में ही कहे थे, एक उनका इंटरव्यू था मनीष कश्यप जी का, उस इंटरव्यू में कहे थे कि मैं पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मनीष कश्यप जी पूछे थे कि आपको अगर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है, वहां से टिकट मिलेगा तो क्या आप लड़ेंगे, तो वहां से साफ पहले से ही पवन सिंह मना कर दिए थे। पवन सिंह को था कि मुझे बिहार से कहीं टिकट मिल जाए, उत्तर प्रदेश से कहीं से मिल जाए, मैं लड़ लूंगा। लेकिन ज्यादा उनका वो चाहत थी कि उनको आरा से ही टिकट मिले। तो ये चीज फाइनल हो गया कि पवन सिंह को आरा से ही टिकट मिलेगा, मिला है, उसका लिस्ट आ गया है। अभी मैं कन्फर्म और बता दूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूं इतना कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिल चुका है, और जो वहां के वर्तमान सांसद, जी हाँ, आर के सिंह जो है, उनको वहां से हटाकर और मोतिहारी भेज दिया गया है। जी हाँ, मोतिहारी से आरके सिंह को लड़ाया जाएगा, और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को आरा, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने घर से लड़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगला आरा का सांसद हमारे पावर स्टार पवन सिंह। तो कहते हैं पावर रहीजे से शुरू और रहीजे पर खत्म, दोसर केहू कहाँ से ले आई पावर। भाई पवन सिंह नाम है, पवन सिंह नम में ब्रांड है। अब पवन के मतलब बुझेला कि हवा होला, हवा के केहू रोक ना सकेला। पवन सिंह नामे ब्रांड है, तो पवन सिंह जो कहते हैं वो करते हैं, और वही हुआ जो होना चाहिए। तो ये हम सब की भी चाहत थी, और जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले थे, ये सब लोगों का चाहत था कि पवन सिंह अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़े, यानी आरा से, खासकर बिहार के कहीं भी क्षेत्र से लड़ते। लेकिन अब जब आरा से लड़ रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात तो और क्या हो सकती है। और एक बात और जान लीजिए कि वही पार्टी भी पवन सिंह को टिकट दी है, जिस पार्टी का टिकट पवन सिंह वापस किए थे। जी हाँ, बीजेपी से ही पवन सिंह को आरा से टिकट मिला। वहां के वर्तमान समय में जो सांसद हैं आरके सिंह जी, उनको मोतिहारी शिफ्ट किया गया कि आप मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह लड़ेंगे आरा से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पवन सिंह को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचा दें जिनको ये मालूम नहीं है अभी तक। और अगला वीडियो जाएगा उसमें और आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह अगला सांसद बनेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।